नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हर्षित डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज मेरे चैनल पर 1700 सब्सक्राइबर पूरे हुए, उसके लिए धन्यवाद। और आप ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, आज मैं हम जो सीरीज़ चालू की कि मेडिसिन जो भी हम छोटे लेवल पे अपने लेवल तक हम अगर हम पशुओं का उपचार करते हैं तो उनमें कौन कौन से इंजेक्शन हमको काम आएंगे या हम उनका उपयोग आसानी से कर सकते हैं बिना कोई साइड इफ़ेक्ट के या अपने जानकारी के हिसाब से, तो इसी में आज मैं लेके आया हूँ जो है ऑक्सीटेट्रा डिहाइड्रेट इंजेक्शन। यह एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है और ये किसी भी प्रकार की जो सामान्य पूरी जितनी भी बीमारी होती है ना उसमें लग ही सकता है यह इंजेक्शन, लगभग सभी बीमारी में, क्योंकि एंटीबायोटिक है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया में काम करता है, इसलिए आप किसी भी प्रकार की बीमारी में इसका उपयोग कर सकते हो। तो ये इंजेक्शन है दोस्तों ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन डिहाइड्रेट इंजेक्शन 200 mg/ml ये है। और इसका उपयोग दोस्तों आप निमोनिया में, जब अगर आपके पशु को निमोनिया हो जाए, ब्लैक वाटर हो जाए या गर्भाशय में मवाद भी हो जाता है ना, कई बार हम एनिमल की अपनी गाय या भैंस की जो है सफाई करवाते हैं, गर्भाशय की बच्चेदानी की सफाई करवाते हैं, तो उसमें भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं क्योंकि एंटीबायोटिक है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया में यह यूज़ होता है। और लंगड़ा बुखार जो होता है ना कि एक शरीर भी गर्म रहता है और किसी पैर से अचानक से लंगड़ने लगता है वो जानवर एनिमल, तो उसमें भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हो। गलगोटू SH, क्योंकि अगर एक बात ध्यान में रखना दोस्तों, अगर कोई एंटीबायोटिक है तो गलगोटू में अवश्य काम आएगा, बुखार में ज़रूर काम आएगा, इसके साथ और कोई दूसरा इंजेक्शन लगा सकते हैं। और ये प्रेगनेंसी सेफ होगा, मुझे इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन आप ले सकते हैं अगर बाकी अगर लगाना हो, या मैं दूसरा वीडियो में बता दूंगा इसके बारे में पूरी जानकारी, मेरे को ये पता नहीं इसके बारे में कि प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं, मैं बताऊंगा। और ये लॉन्ग एक्टिंग है, ये भी लगभग 72 घंटे का इसका जो है ना विड्रॉल पीरियड, कि आज लगाए तो आज से 3 दिन बाद तक उसका असर रहता है उस एनिमल में। और गलगोटू, थनेला रोग जैसे शुरुआती लक्षण है अगर किसी गाय या भैंस में थनेला रोग होने के, तो उसके लिए बहुत अच्छा है कि आप उसको जो रोकथाम स्टार्टिंग में ही इस एंटीबायोटिक से कर सकते हो। घाव उभरने में और बुखार में, जैसे अगर आपके को वायरल फीवर है या कई बार होता है कि एक कान ठंडा रहता है दूसरा कान बहुत गर्म रहता है, ऐसे वाले फीवर में भी आप इसका उपयोग कर सकते हो। और इसकी जो वो डोज है वो है बड़े एनिमल में 30 ml इंट्रामस्कुलर, जो मांस में लगाते हैं ना उसमें इंट्रामस्कुलर लगाना है, और 72 घंटों के बाद रिपीट करना है, क्योंकि इसका असर जो है एनिमल में 72 घंटे तक रहता है। इस बात का ध्यान रखिए कि कई बार क्या होता है अगर हम एक बार एनिमल को इंजेक्शन लगा दें तो वो थोड़े धीरे रिकवर करता है, तो हम क्या फिर से उसको इंजेक्शन लगा देते, तो ये ध्यान में रखना है कि इसको 72 घंटे के बाद ही रिपीट करना है। इसका असर 72 घंटे तक रहता है, लॉन्ग एक्टिव है। LA आप जब भी सर्च करेंगे ना ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन LA, तो आप इसके बारे में पूरी जानकारी आ जाएगी, गूगल पर या यूट्यूब पर आप ले सकते हो। और यह एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन, ये तो पता है आपको, तो इसका ना पूरी सभी प्रकार की बीमारियों में आप एक एंटीबायोटिक के रूप में आप इसका उपयोग कर सकते हो। और ये एनिमल अगर आपका जैसे पीक पर है ना, कोई एनिमल पीक पर जैसे कि आज जना या जने जो दूध है, दूध को सुखाता है, इसका जो मेन साइड इफ़ेक्ट है कि ये इंजेक्शन दूध सुखाता है, पूरी तरीके से तो नहीं सुखाएगा, लेकिन जैसे कि अगर आपकी भैंस या गाय अगर 10 लीटर दूध दे रही है तो लगभग 6 लीटर 7 लीटर पा जाएगी, इतना दूध सुखाता है। तो आप ध्यान रखिए कि इसको दूध देने वाले एनिमल में नहीं लगाना, इसके जगह आप, मैं बताता हूँ दूसरा एनिमल, दूसरा इंजेक्शन इंड्रोफ्लॉक्सिन साल्ट वाला जो आता है आप उसको लगा सकते हैं, वो इससे बेस्ट है, क्योंकि यह दूध सुखाता है और उसके इस इंजेक्शन के कोई साइड इफ़ेक्ट उतने ज़्यादा नहीं है दूध सुखाने के मामले में, और ये प्रेगनेंसी सेफ भी नहीं है, तो आप समझ सकते हो। जो जैसे हम इसको लगा सकते हैं मेल काफ, मेल पशुओं में, उनके लिए कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, या कोई एनिमल जैसे दूध छोड़ देता है और वो प्रेग्नेंट भी नहीं होता, तो उनमें आसानी से लगा सकते, उसका रिजल्ट अच्छा है। और एरिटेट ज़्यादा होता है जब आप इसको इंट्रामस्कुलर लगाएंगे तो एरिटेट ज़्यादा करता है, इसलिए आप इसको इंट्राविनस ही लगाएं। और इसको तीनों लगा सकते हैं आप, इंट्रामस्कुलर, इंट्राविनस, सबकट, तीनों में आप इसको लगा सकते हैं, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन सबकट लगाने से और इंट्रामस्कुलर लगाने से एरिटेट ज़्यादा करता है, जलन ज़्यादा करता है, और प्रेग्नेंट इसीलिए इरिटेट करता है, इसीलिए प्रेग्नेंट एनिमल को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इरिटेट करेगा तो उनके जो है ना वो क्या बोलते हैं उसको, गाप फेंकने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बच्चा समय से पहले देने के चांसेस रह जाते हैं, इसलिए नहीं लगाना चाहिए।
और किसी दूसरे एंटीबायोटिक के साथ नहीं लगाना चाहिए। जैसे आप ये देख सकते हो ऑक्सीटेटर साइक्लिन है और ये है इनरोफ्लोक्सिन, ये दोनों को कभी भी साथ में नहीं लगाना चाहिए। ये दोनों अगर लगाएंगे तो इनका जो है इनका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है कि ये किडनी और लीवर पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान रखिए कि ये दोनों इंजेक्शन कभी साथ में ना लगाएं, कभी भी इसके साथ कोई दूसरा एंटीबायोटिक कभी ना लगाएं। सबसे जो पशुपालक है, नए डेयरी फार्मर है, जो भी आप वीडियो देख रहे हो, तो आप ध्यान में रखना कि किसी भी एक एंटीबायोटिक के साथ दूसरा एंटीबायोटिक कभी नहीं लगाना चाहिए। और बात रही इसके डोज की, तो इसका डोज है बड़े एनिमल में 30 ml और छोटे एनिमल में 5 ml आप लगा सकते हैं। और प्रेगनेंसी सेफ नहीं है, सबसे बड़ी बात प्रेगनेंसी सेफ नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आने वाले वीडियो में हम हाईटेक इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे जिसमें इनवरमेक्टिन साल्ट रहता है जो जू चीचड़ और डीवार्मिंग के काम में आता है। तो उस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।